गाइस नीति फिल्म चैनल पर आप सभी लोग का वेलकम। तो सितंबर बीतने वाले हैं तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। मैंने तो लगा ली हूँ, कैसे लगाना है तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो ये मैंने पार्सल मंगाया है नीसो से और उसके लिए पहले बास्केट ले लेते हैं कि इस तरह सॉइल करना है। तो देखिए मैंने ये मेरा 3 इंच का 5 इंच का ऐसे पॉट लेना है, छोटे मोटे जितने भी है वो लेना है। ये मेरा बास्केट है जो कि एकदम मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो आपको ऐसा ही बास्केट लेना है जिनमें पानी बिल्कुल ना रुके। ये मैंने रेत ली हूँ, गोबर की खाद है जो कि 2 साल पुरानी है, ये गार्डन सॉइल है। तीनों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रेत गोबर की खाद नहीं है तो आप सिंपल सा रेत मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मैंने सारे तैयार कर ली हूँ अपना बास्केट। तो ये मैंने नीसो से पार्सल मंगाया था जो कि 116 में मुझे विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड मिले हैं पूरे 40। तो इस तरह से अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट के सीड हैं, देख सकते हैं। तो कैसे लगाना है मैं उनके बारे में सारे फूल के नाम बताऊंगी। तो इस पर्ची पर बहुत अच्छे से इन्होंने पैकिंग की थी, सारे डिटेल है, फ्लावरिंग के नाम है, किस तरह से लगाना है, सब कुछ इस पर एक पर्ची है उस पर लिखा है। जितने भी मेरे सीड आए हैं सब हेल्दी हैं और 40 के 40 पूरे सीड हैं। तो सबसे पहले मैं पिटोनिया लगाऊंगी क्योंकि मैंने पिटोनिया 2 बार ग्रो की हूँ, मतलब सीड से नहीं ग्रो की हूँ, नर्सरी से प्लांट ला कर ग्रो की थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो की थी तो मुझे प्लांट 40 का मिला था, बहुत महंगे थे। इस बार मैंने सोचा सीड ही लगा, तो देख सकते हैं मैंने पूरी सीड नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही सीड फर्स्ट टाइम ग्रो करना चाहती हूँ क्योंकि देखना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप भी जब भी लगाइएगा तो पहले थोड़ा थोड़ा ही ग्रो कीजिएगा, क्या पता मौसम टेम्परेचर अधिक पड़ गया, गर्म होने लगा, बारिश होने, इसलिए थोड़ा सा ही पहले के ऊपर से मैंने सोयल लगा कर ढक दी, हल्के से डीप करके दबा दी हूँ और मैंने लिख भी दी हूँ पेंसिल डेविल मिक्स का, जो कि इनकी सीड काफ़ी महीन महीन दाने जैसे हैं, इस तरह से देख सकते हैं कुछ है। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा बचा दी हूँ, अब इस वाले में बास्केट में अपने लगा दूँगी। ऊपर से हल्की से जो मेरा सॉइल है उस पर छिड़क के हल्के हल्के हाथों से दबा देना है। और मैंने लिख के इसको ताकि हम लोग जब भी आप लगाएं ना सीड तो उसका नाम जरूर लिख कर रख दीजिए। ये है जिप्सोफिला के सीड, इनके भी दाने ब्लैक कलर के हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं पहले। इनकी काफ़ी महीन महीन दाने हैं इन सारे सीडों की, तो नाम भी बहुत अजीब अजीब इन सब के हैं। तो इनको भी देखिए मैंने इतना ले ली हूँ, इतना बचा दे रही हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए ग्रो करने के लिए। तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा अपना जो गार्डन सॉइल बनाया है उसको डाल कर हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे, ज़्यादा तेज नहीं करना, एकदम हल्के हाथों से, ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो अब नाम लिख कर डाल दें। ये होली हॉक के सीड, तो कुछ ऐसे दिखते हैं होली हॉक के सीड, मतलब जैसे फ्लावरिंग ऐसे सबके सीड भी हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसके देख, इसके फूल भी मैंने अभी तक देखा नहीं हूँ, तो सीड देख ली हूँ, अब इनके फूल भी बस ये ग्रो हो जाए तो देखने को मिल जाए ताकि कैसे दिखते हैं फूल। अब इनके भी नाम लिख कर हम लोग लगा देते हैं ताकि भूले ना हम लोग। आइस फ्लावर के सीड, इनके भी दाने काफ़ी महीन महीन ऐसे हैं, काश हम लोग ऐसे मतलब फ्लावर लाइम के सीड जमा किए होते तो हम लोग को काफ़ी आसान पड़ता। मैंने सीड भी ग्रो करने मतलब जब मैं फ्लावर मेरे सूख जाते थे सीड जमा की थी, पर मेरे वो सही टाइम पर वो सही से मैं बचा नहीं पाई थी, बारिश की वजह से ऐसे उससे ख़राब हो जाते थे मेरे सीड। ये है नेमेंसिया के सीड, इनके दाने कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये वाइट वाइट कलर के हैं, ऐसे थोड़े से उसमें ब्लैक कलर के हैं, तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इनको भी मैं इस बास्केट में लगा दे रही हूँ। ये नेमोफिला के सीड, इनके दाने भी ब्लैक कलर के इस तरह से हैं, तो देख लीजिए आप भी सब लोग। तो इनको भी थोड़ा, मैं सारे को थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ, बस मेरा ग्रो हो जाए, थोड़े से नर्वस हूँ। डेंथेस के, इसके तो मैंने बहुत बार पौधे लगाए हैं और जब भी मैं लगाती हूँ ऐसे तो इसको बोलते हैं कि हमेशा रहता है, पर मेरा हर बार सूख जाता है, इस बार बचाने की हूँ। ये तो सभी लोग जानते हैं सूर्यमुखी, जिसको सनफ्लावर शायद बोलते हैं, सूर्यमुखी
फूल तो देखी थी पर सीड नहीं देखी, तो आज मैं इनकी सीड भी देख ली हूँ। ब्लैक कलर के बड़े बड़े थोड़े दाने इनके होते हैं, तो इसको मैं 5 ठो बस लगाई हूँ इस बड़े से बास्केट में, ताकि ये ग्रो भी हो जाए तो इसी में पड़ा रहे। कि ग्रो होने के बाद फिर इनको चेंज करना अलग बास्केट, तो वो भी एक चैलेंज भरी रहती है। ये बालसम तो देख लीजिए, बालसम के सीड ब्राउन कलर के थोड़े बड़े बड़े दाने होते हैं इस तरह के। चलिए इसकी भी सीड लगा देते हैं, सारे नहीं लगाना बस थोड़ा सा ही लगाना है। इस सारे सीड को मुझे लगाते लगाते मैं आई थी लगभग 4 बजे के करीब, शाम हो गया है, पूरे अंधेरे हो चुका है। अब बस सारे सीड को मैंने एक साइड रख दी, इतने सारे मेरे सीड बच चुके हैं जो कि मैं कल लगाऊंगी। अब सबको पानी अच्छे से देना है, पानी हाथ लगा के दीजिएगा ताकि सीड खत्म। 21 सितंबर है तो ये सारे सीड के जो मैंने लगाए थे 20 सितंबर को लगाए थे, बाकी जो मेरे सीड बचे हैं उनको इस पीवीसी पाइप में लगाएंगे। तो सबको मैंने एक एक करके लगा दी हूँ, अब देखते हैं नीसो से हमने जो सीड मंगाए थे वो कैसे रिजल्ट देते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच गाइस।